क्या आप जानते हैं जब दिल बेचारा की अनाउंसमेंट हुई थी साल 2018 में, तो जॉन ग्रीन द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के जो ऑथर है उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने इस फिल्म के बारे में एक बहुत ही खास बात लिखी थी। क्या थी वो बात, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। साल 2018 में इस बात का ऐलान किया गया कि किजियन मैनी के नाम से जो है इस फिल्म को बनाया जाएगा, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जो कि उस किताब की एडेप्टेशन है। इस फिल्म पर जो है, इस किताब पर जो है, हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है और अब जो है इसको हिंदी में अडॉप्ट किया गया है। और जब ये खबर आई थी और तब जो है उस राइटर ने, जॉन ग्रीन ने ये लिखा था, आई वॉन्ट टू सी दिस मूवी मोर देन आई हैव एवर वॉन्टेड टू सी एनी मूवी। जी हाँ, ये खुद ऑथर ने उस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा था जो साल 2018 में इस फिल्म का पोस्टर आया था, किजी और मैनी। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कुछ और बातें भी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग, अमेजिंग। सून आफ्टर दैट द फॉल्ट इन आवर स्टार्स लीडिंग एक्टर्स जो हैं, जो कि हॉलीवुड फिल्म के लीडिंग एक्टर हैं, एंसल एलगॉट एंड शैलिन वुडली, इन दोनों ने भी ट्विटर पर इस बात को लिखा था कि वो दोनों जो है एक साथ ये फिल्म देखना चाहेंगे। और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में लंबी नोकझोंक भी ट्विटर पर चली थी। और आज इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और जॉन ग्रीन, हालांकि अभी तक उनका कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि साल 2018 में जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तब उन्होंने बोला था कि मैं इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, आज तक मैंने किसी फिल्म का इतना इंतज़ार नहीं किया और मैं एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को देखने के लिए। इस फिल्म के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मुकेश छाबरा ने इसको डायरेक्ट किया और इसका जो हिंदी अडेप्टेशन है वो शशांक खेतान और सुप्रतिम सेन गुप्ता ने जो है इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। एआर रहमान का म्यूजिक है और 24 जुलाई को जो है आप इस फिल्म को ओटीटी पर, हॉटस्टार पर देख सकेंगे। इस ट्रेलर ने जो है दिल बेचारा ने रिलीज के साथ ही जो है रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। 100 के फास्टेस्ट लाइक का जो रिकॉर्ड है वो 14 मिनट में बनाया है और 1 घंटा 38 मिनट में जो है किसी भी बॉलीवुड फिल्म को, ट्रेलर को 1 मिलियन लाइक्स नहीं मिले जो कि इस ट्रेलर को मिले हैं। तो देखते हैं कि क्या दिल बेचारा, जिस नॉवल पर आधारित है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, उसके ऑथर का किसी तरह का रिएक्शन आता है या नहीं इस ट्रेलर को देखने के बाद। अगर इसको लेकर कुछ भी अपडेट आएगा तो हम फिल्म विंडो पर लेकर ज़रूर आएंगे।